Assalamu alaikum. This is Hassan from Hassan's test se. Aaj ka hamara jo topic hai wo hai quadratic equation. Quadratic equation ab jo question se main start karenge jo pehla question hai wo question ye hai ki write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations. Means हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखना है. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लेट्स सपोज हम इनको कह सकते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या एलजेब्रिक इक्वेशंस ही हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करना है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, एक्स प्लस सेवन x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस सेवन. इस क्वेश्चन को हमने, इस लीनियर इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है. तो एज यू नो कि जब भी ये सब ब्रैकेट्स आ रही हों तो इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं. इसके भी दो तीन मेथड्स होते हैं. हम सिंपली इनको हल कैसे करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हम यूँ लिख लेते हैं x इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक, और प्लस सेवन है तो प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस सेवन. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. ठीक है, अब इसको हम इस एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेवन को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, फिर माइनस एक्स के साथ प्लस था, थ्री के साथ माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस. एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स होगा. इसके आगे वन होता है, थ्री वन ज़ा थ्री एक्स. ठीक है, आगे जाएंगे तो यहाँ पे है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो सेवन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन एक्स हो जाएगा. इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन हो गया. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस सेवन. ठीक, उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं x के साथ, इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे. ये प्लस सेवन एक्स है, माइनस थ्री एक्स है, सेम नेचर के हैं, सेम जेंडर कह लें, सेम नेचर चल रही है, तो इसलिए प्लस माइनस हो सकते हैं. तो सेवन एक्स में से थ्री एक्स माइनस करेंगे तो हम वापस बचेंगे फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन. यहाँ पर माइनस सेवन हो रहा है, जब इक्वल के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको तो ये प्लस सेवन हो जाएगा. ठीक है, प्लस सेवन इज इक्वल्स टू, जब इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो बचेगा. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इसी तरह रहा, फोर एक्स इसी तरह रहा, ट्वेंटी वन माइनस का है, सेवन प्लस का है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया. ट्वेंटी वन में से सेवन जब आप माइनस करेंगे तो एज सिंपल ये फोर्टीन आपके पास रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब देखना ही है कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो कैसे बनी. एज स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो आप ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये इसी तरह ए, मतलब इसके आगे अगर कोई नंबर या वेरिएबल होता तो यहाँ होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये कंप्लीट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, वो सॉल्व हुआ. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है कि उसको हमने क्या करना है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखना है. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चेक कर लेते हैं, जो लीनियर इक्वेशन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदलें, या हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन हो उसको चेक कर लेंगे कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करना है. तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आया है इसका. अब इसको हमने सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जब भी अपॉन और अपॉन की वैल्यूज़ आ जाएं, रैशनल वैल्यूज़ आ जाएं बीच में, और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उनकी जो निचली वैल्यूज़ होती हैं उनका एलसीएम लेते हैं. ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान आ जाए तो सिंपली जो साइन होता है हम वो एक्शन परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है और दो रैशनल वैल्यूज़ आ रही हैं,
तो अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एक्स प्लस वन और एक्स का एलसीएम लेना, एक अगर हम लें तो वैसे तो हमारे पास आ सकता है। इनका इजीएस्ट वे ये है कि हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स और एक्स प्लस वन। वैसे अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको बाद में सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपका जो है एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने का तरीका होप आप सबको आता होगा। एलसीएम में जब हम एलसीएम लेते हैं उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो इतना इजी है कि जब ये जो नीचे जो वैल्यू आ रही होती है वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल होती है बाय दिस नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर है या वेरिएबल्स हैं कुछ भी है, और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें एक्स एक्स प्लस वन को जब हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रह क्या जाएगा हमारे पास, एक्स रह जाएगा। तो इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन आएगा जो ये है। उसके बाद फिर हम इनको देखेंगे तो यहाँ पे ये इसी तरह एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा और एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। अब ये जो अपॉन के नीचे वाली एलसीएम वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इक्वल के उस साइड जाएगी, तो अपोजिट साइन इसका आएगा जो कि मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन की थी इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 6 है इस 6 से ये पूरी की पूरी वैल्यू आके मल्टीप्लाई होगी, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, प्लस इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स, प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन, वन वन ज़ा वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, इन सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई करें, कोई इशू नहीं है। हम इसको ऐसे करते हैं, सिक्स को इस तरह रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम जेंडर के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इनके आगे जो वेरिएबल नंबर्स होते हैं वन हम लिखते नहीं, इसलिए जो है ना जो वन प्लस वन ये हमारे पास आ जाएगा 2x², ठीक है। प्लस इसी तरह इनके भी आगे आ जाएंगे 2x + 1 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें 6x² प्लस 6x, ठीक है। अब इनको ये जो जितनी वैल्यूज इक्वल के उस साइड है इन सबको हम इक्वल के इस साइड ले आते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनको उस साइड ले जाए उनको इस साइड ले आए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं 2x² प्लस 2x + 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स साइन तो ख़त्म करना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -6x² -6x इज इक्वल्स टू 0। अब ये -6x है एक्स स्क्वेयर है और ये +2x² है, सेम जेंडर है, साइन डिफरेंट है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो बड़ी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है वो -6x² है, तो -6 में से 2 को माइनस करें यानी -6 में से 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4x², ठीक है। ये +2 है, ये सेम एक्शन है, इस पर अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -4x और ये आ जाएगा हमारे पास +1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास असूलन देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, लेकिन इस माइनस की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। बेशक हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो -1 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x² से, -4x + 1 इज इक्वल्स टू 0, कंप्लीट को हमने इसे कर लिया, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए प्लस हो जाएगा, 4 1 4x² प्लस, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा, अदरवाइज प्लस यहाँ पर नहीं मिलते। नेक्स्ट पे आए माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, माइनस इंटू प्लस -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 न्यूट्रल रहता है तो इसलिए 0 का 0 ही रहेगा। तो ये आपकी देख रहे हैं आप एग्जैक्टली
सेम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब मैं आपको इसी की मुनासिबत से कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोगों का होमवर्क होगा, जिसको आपने घर पे बैठ के करना होगा, और उसकी स्नैप्स आप मुझे इसी चैनल पे कमेंट्स में भेज सकते हैं, या फिर इसमें मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। इन सेम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से भी करके देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपको करना है घर पे, होमवर्क जो है आपका वो है x² + 4/3 -x/7 = 1। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है x + 4/(x-2)-x-2/(x+4)=0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x+3/(x+4)-x-5)/(x=1)। और क्वेश्चन नंबर 4, x+1/(x+2)+(x+2)/(x+3)=25/12। इन चार क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको समझाऊँगा और सिखाऊँगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी आज की जो है लीनियर इक्वेशंस, यानी कि सिंपल इक्वेशंस से हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे बदलना है और किस तरह से काम करना है। इसमें कोई बात समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।